हेलो गाइस, आज हम स्टारफिश के बारे में पढ़ेंगे। स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा के अंडर आती है। इसमें एक सेंटर में डिस्क होती है और साइड में पांच आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, और उन पांचों आर्म्स की वजह से इसे हम स्टार सी स्टार बोल देते हैं। ये ट्रू फिश नहीं कहलाई जाती। ये फ्रीली मैराइन वाटर में रहती है, ओशन के बिल्कुल डेप्थ में पाई जाती है। ये मूवमेंट नहीं करती, एक जगह चिपक के रह जाती है। और इसमें क्या, ये नॉक्टर्नल होती है, मतलब रात के टाइम पे बाहर निकलती है। अगर निकलती है तो दिन में बाहर नहीं निकलती। कार्निवोरस होती है, उसमें जो छोटी मोटी मछलियाँ प्रेजेंट है उनको ही खा लेती है। अपनी ट्यूब फिट की हेल्प से मूवमेंट करती है। दे हैव अ कैपेसिटी, रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ये डायोशियस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, बाय पिनेरिया लार्वा कंसिस्ट करती है। अब इसके कुछ एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं। बॉडी स्टार के जैसी होती है, तो इसमें पेंटामेरस रेडियल सिमिट्री, मतलब पांच तरीके से पांचों आर्म में से कटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। 20 सेंटीमीटर्स का डायमीटर होता है, कलर विजिबल होता है, और कुछ शेड्स हैं इसकी, ब्राउन येलो पिंक ऐसे होती हैं। जो अपर पार्ट है वो थोड़ा डार्क होता है, लोअर पार्ट थोड़ा लाइट कलर का होता है। बॉडी पार्ट्स, सेंटर में डिस्क होती है, उसमें से पांच आर्म निकलते हैं। वो आर्म कैसी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, ऊपर से टेपरिंग एंड होगा, सिमिट्री होगी उनमें। बॉडी में क्या होगा, डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों होते हैं। अपर सरफेस को हम एबोरल या फिर एबैक्टिनल बोल देते हैं, और लोअर सरफेस को हम ओरल या फिर एक्टिनल बोल देते हैं। जो अपर सरफेस है वो कन्वेक्स होता है और लोअर सरफेस फ्लैट होता है। आर्म्स इन एक्सिस की रेडियाई बोल देते हैं हम। जो आर्म प्रेजेंट होती है पांच, उनको रेडियाई बोलते हैं, और उनके बीच में जो ग्रूव होता है उसको इंटर रेडियाई बोल देते हैं। अब हम आते हैं ओरल सरफेस में, मतलब लोअर सरफेस में, मतलब एक्टिनल सरफेस में। ये कैसा होता है, फ्लैट होता है। इसमें क्या होती है, एक सेंटर में माउथ प्रेजेंट होता है, जिसमें से पांच, जिसके चारों तरफ पांचों आर्म प्रेजेंट होती हैं, उसको हम एक्टिनोसोम बोल देते हैं। माउथ के चारों तरफ फिर क्या होती है, एक लेयर होती है पेरिस्ट्रोमियम की, और पांच ओरल पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पांच नैरो एम्बुलेक्रल ग्रूव अराइज होते हैं। जैसे ये माउथ है, माउथ के बिल्कुल कॉर्नर से पांच एम्बुलेक्रल ग्रूव अराइज होंगे और टिप तक जाएंगे आर्म के, मिडल में से होके होते हुए टिप तक चले जाएंगे। फिर क्या होता है, इन एम्बुलेक्रल ग्रूव के एजेस पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कैल्शीरियस स्पाइंस, जिनको हम एम्बुलेक्रल स्पाइन बोल देते हैं। इन एम्बुलेक्रल स्पाइंस के नीचे ही, बिल्कुल नीचे, एक छोटा सा स्पाइन होता है जिसको हम इमूवेबल स्टाउट स्पाइन बोल देते हैं। जो ये तो ओरल सरफेस है, एबोरल सरफेस के ऊपर क्या होता है, ये स्टाउट स्पाइंस की रोज बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, और हम एबोरल और ओरल सरफेस को इन स्पाइंस के बेसिस पे ही सेपरेट करते हैं। ये स्पाइंस मिलके एक दूसरे के माउथ के एंगल पे मिलके माउथ पेपिले बना लेते हैं। फिर एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर क्या होता है, चार रो होती हैं किसकी, ट्यूब फिट की। ट्यूब फिट किस में एंड करता है, जाके शक्कर के अंदर। और ये ट्यूब फिट जो है मेन ऑर्गन होता है एकाइनोडर्मेटा का। ट्यूब फिट ही रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, सेंसेस में और लोकोमोशन में हेल्प करता है। एम्बुलेक्रल ग्रूव जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बिल्कुल एंड पे एक रेड कलर का स्पॉट प्रेजेंट होता है, जिसको हम आई बोल देते हैं। फोटो सेंसिटिव स्पॉट होता है, और उस स्पॉट के बिल्कुल ऊपर ही छोटे छोटे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो टैक्टाइल होते हैं, मतलब टच में सेंसेस होते हैं, और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एबोरल सरफेस, मतलब अपर वाला सरफेस, इसको हम एबैक्टिनल भी बोल देते हैं। इसमें हमें पता है इमूवेबल स्टाउट स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी रेगुलर रोज प्रेजेंट होती हैं इनकी। और ये स्पाइंस किससे अटैच होते हैं, ओसिकल्स से। ये इनके नीचे क्या होता है, फिर सॉफ्ट पेपिले प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस चीज़ में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में। एक छोटा सा अपर्चर प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में, जो हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं नॉर्मली, उसको हम एनस बोल देते हैं। एनस के बिल्कुल पास ही दो आर्म्स के बीच में एक पोर और होता है फ्लैट, जिसको हम मेड्रोपोराइट बोल देते हैं। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर ओपन होता है। दो आर्म्स जिनके बीच में मेड्रोपोराइट होता है उसको हम बाइवियम बोल देते हैं, और बाकी की तीन बच गई उनको हम ट्राइवियम बोल देते हैं। स्पेस होता है जो स्पाइंस के बीच में, उसके बाहर गिल्स सराउंड करती है। उस स्पेस में हम पेडिसिलरी की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, जो एबोरल और ओरल दोनों सर्फेसिस पे प्रेजेंट होती हैं। पेडिसिलरी में क्या होता है, एक स्टॉक होती है और तीन ओसिकल्स होते हैं, जिन ओसिकल्स में से एक तो बेसल पोजिशन को एक्वायर करती है, और दो जॉ बनाने में काम करती हैं। जॉ कैन बी मूव, और जॉ किसकी मदद से मूव करती हैं, एबडक्टर और एडक्टर मसल्स की हेल्प से। पेडिसिलरी अब दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेट टाइप और क्रोस्ट टाइप। जो स्ट्रेट टाइप होता है, इसमें क्या होता है, दोनों की दोनों जॉ स्ट्रेट होती हैं, और एक किसकी तरह काम करती है, फोरसेप की तरह काम करती हैं। और क्रोस्ट वाले में क्या होता है, दोनों जॉ कर्व्ड होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एज अ सीजर की तरह वो काम करती हैं। पेडिसिलरी का मेन काम क्या है, फूड को कैप्चर करना, उसको क्लीन करके सरफेस के अंदर तक पहुँचाना, और डिफेंस का काम होता है इसका। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।